अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ मैं हूं फजल रहमान शामिल और आज के इस लेक्चर में हम सीएफजी बनाएंगे। सीएफजी फॉर द लैंग्वेज ऑफ एएम बीएन वेयर एम इज लेस देन एन एंड एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। हम एक ऐसी लैंग्वेज का सीएफजी बनाएंगे जिसमें हमारे पास जो एम होगा वो लेस देन एन होगा, यानी कि नंबर ऑफ एज होगा वो कम होगा और नंबर ऑफ बीज ज्यादा होंगे, यानी कि कुछ इस तरह की स्ट्रिंग्स होंगी कि जिस तरह हम कह लें कि ए डबल बी, बीस ज्यादा है ए कम है, ओके डबल ए फोर टाइम्स बी ए कम है और बीस ज्यादा है, तो इस तरह की स्ट्रिंग्स होंगी जो कि इस सीएफजी से जनरेट होंगी, यानी कि नंबर ऑफ एज लेस होंगे और नंबर ऑफ बीस ज्यादा होंगे। तो इसके अगर हम सीएफजी लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस ए एस बी आर ए एक्स बी एंड एक्स प्रोड्यूसेस बी एक्स आर बी। अब हम ड्राइवेशन करते हैं और ड्राइव करके देखते हैं कि क्या ये जो हमने सीएफजी जनरेट की है, क्या ये सीएफजी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ड्राइवेशन में हम देखते हैं, ड्राइवेशन मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग चेक करते हैं जिसमें नंबर ऑफ एज लेस होंगे और नंबर ऑफ बीज ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर एक स्ट्रिंग है ए बी बी, अगर हमने ये स्ट्रिंग चेक करनी हो कि क्या ए डबल बी ये एक स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग सीएफजी से जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, तो हम चेक कर लेते हैं। हम अगर कहें कि एस प्रोड्यूसेस ए एस बी ए एस बी, अब यहां पर हमारे पास एक टाइम वन टाइम ए आ चुका है, वन टाइम बी, यानी कि वन टाइम ए और वन टाइम बी, अब हमें ये वाला बी चाहिए। अब इस बी को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस बी को अगर हम लेना चाहें तो ये बी हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से एक्स से मिल सकते हैं, ओके। तो इस एस को अगर हम कन्वर्ट कर दें एक्स में, क्योंकि यहां पे देखें ना एस प्रोड्यूसेस दिस या फिर एस प्रोड्यूसेस दिस, तो अगर हम कहें कि एस प्रोड्यूसेस दिस, एस नॉट प्रोड्यूसेस दिस एंड एस प्रोड्यूसेस दिस, तो अब अगर हम कहें कि ए, ये ए सेम टू सेम लिख दिया, ये बी भी सेम टू सेम लिख दिया, और ये जो एस है इस एस से हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, ए एक्स बी ए एक्स बी। अब हम देखें कि अगर हम इस एस से ए एक्स बी प्रोड्यूस करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ एज टू है, नंबर ऑफ बीज भी टू है और हमने जनरेट क्या करना है ए डबल बी, तो इट मींस कि इसको अगर हम डिराइव करना चाहें तो ये ऐसे ड्राइव नहीं होगा, बल्कि इसको ड्राइव करने के लिए इस ए डबल बी को ड्राइव करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एस प्रोड्यूसेस ए एक्स बी, एस प्रोड्यूसेस ए एक्स बी, और ये जो हमारे पास x है, अब इस यहाँ पे देखें ना x produces bx और x produces b, अब अगर हम कहें कि this x produces b, तो देखें क्या होता है, ये a same to same आ गया, ये b भी same to same आ गया, और ये जो x है हम x का कह देते हैं कि x produces this b, तो यहाँ पर आ जाएगा a b b, तो यहाँ पर अब क्या जनरेट हुआ, हम चेक करना चाह रहे थे कि a double b स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है, क्या ये स्ट्रिंग इस सीएफजी से एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, तो ये साबित हुआ कि ए डबल बी इस सीएफजी से जनरेट हो रही है। अब इसी तरह हम एक और स्ट्रिंग चेक करते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि टू टाइम्स ए एंड फोर टाइम्स बी, नंबर ऑफ एज लेस एंड नंबर ऑफ बीज ग्रेटर। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट लेते हैं और हम कहते हैं कि एस प्रोड्यूसेस ए एस बी ए एस बी, अब हमारे पास एक ए आ चुका है और एक बी, यानी कि हमारे पास ये ए भी आ चुका है और ये वाला बी भी हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ए जनरेट करने के लिए और ये बी जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये ए सेम टू सेम, ये वाला बी सेम टू सेम, और इस एस को हम, इस एस से हम क्या जनरेट करेंगे, इस एस से हम प्रोड्यूस कर लेंगे ए एस बी ए एस बी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ एज टू है और नंबर ऑफ बीज भी टू है, यानी कि अब हमने ये वाला ए भी जनरेट कर लिया और ये वाला बी भी जनरेट कर लिया, अब हमारे पास दो बी बाकी रहते हैं जो कि हमने जनरेट करने हैं, दो बी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो एस है इस एस से हम ए एस बी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें टू टाइम्स ए चाहिए और टू टाइम्स ए हमारे पास आ चुके हैं। अब इस एस से अगर हम ए एस बी जनरेट करते हैं तो
एक और एज जनरेट हो जाएगा, नंबर ऑफ एज 3 हो जाएगी। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एज 2 ही रहे और नंबर ऑफ बीज 4 रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इस एस से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, एस प्रोड्यूसेस ए एक्स बी। अगर हम एस से ए एक्स बी प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, ए एक्स बी बी। फिर भी क्या, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर ऑफ एज 3 हो गए और नंबर ऑफ बीज भी 3 हो गए, और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एज 2 चाहिए और नंबर ऑफ बीज 4 चाहिए। इट मींस कि प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है जी, प्रॉब्लम आ रहा है जी यहां पे कि हमने जब लिया ए एस बी के एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, तो इस एस से हम क्या करें, ए एक्स बी प्रोड्यूस कर लें। देखिए ना, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी या फिर ए एक्स बी। अब हम क्या करते हैं, इस एस से हम ए एक्स बी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला सेम टू सेम, ये वाला बी भी सेम टू सेम, और इस एस से हम क्या जनरेट कर लेंगे, एस प्रोड्यूसेस ए एक्स बी, एस प्रोड्यूसेस ए एक्स बी। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ एज है 2 एंड नंबर ऑफ बीज है 2, और हमें जो स्ट्रिंग जनरेट करनी है उसमें नंबर ऑफ एज 2 होने चाहिए और नंबर ऑफ बीज 4 होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एज पूरे हो गए और नंबर ऑफ बीज 2 हो गए और 2 नंबर ऑफ बीज अभी रहते हैं। अब ये 2 टाइम्स बी जनरेट करने के लिए इस एक्स से मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, एक्स से मैं प्रोड्यूस करूंगा बी एक्स। यानी कि अगर हम लिखें ये ए टू ए, ये डबल ए सेम टू सेम आ जाए, ये डबल बी भी सेम टू सेम आ जाए, और इसके बाद इस एक्स से अगर हम प्रोड्यूस कर लें, एक्स प्रोड्यूसेस बी एक्स, एक्स प्रोड्यूसेस बी एक्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ एज है 2 टाइम्स एंड नंबर ऑफ बी है 1, 2 एंड 3 टाइम्स, और हम जो स्ट्रिंग जनरेट करना चाह रहे हैं, हम कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ एज 2 एंड नंबर ऑफ बीज 4। अब नंबर ऑफ बीज 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस एक्स से मैं प्रोड्यूस कर लूंगा सिंगल बी, यानी कि इस डबल ए को सेम टू सेम ले लेंगे, इस डबल बी को भी सेम टू सेम ले लेंगे, इस बी को भी सेम टू सेम ले लेंगे, और ये जो हमारे पास एक्स है, इस एक्स से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इस एक्स से हम ये वाला बी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो दिस एक्स प्रोड्यूसेस बी। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग आ गई है, हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग आई है, अब हमने स्ट्रिंग जनरेट कर ली है डबल ए डबल बी डबल बी, 2 टाइम्स ए एंड 4 टाइम्स बी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज के अंदर आने वाली हर स्ट्रिंग क्या इस सीएफजी से एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। एक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का सीएफजी हम बनाने जा रहे होते हैं, उस लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग सीएफजी से एक्सेप्ट होनी चाहिए, और हर वो स्ट्रिंग जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, हर वो स्ट्रिंग इस सीएफजी से रिजेक्ट होनी चाहिए। अब इसी तरह हम डिफरेंट स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है उनको इस सीएफजी पे चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें कि 2 टाइम्स ए एंड 1, 2, 3 टाइम्स बी, तो ये स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज का पार्ट है और इस सीएफजी से जनरेट हो सकती है। अब अगर हम ले लें कि 1 टाइम ए 4 टाइम बी, ये स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज का पार्ट है कि लैंग्वेज वेयर ए इज लेस देन एन, तो ये अगर इस स्ट्रिंग को भी अगर आप ड्राइव करना चाहें तो इस सीएफजी से ड्राइव हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसी स्ट्रिंग ड्राइव करना चाहें जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर हम ड्राइव करना चाहें ए बी, अब ए बी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है वेयर एम इज लेस देन एन, तो यहाँ पर ए और बी बराबर है। तो अब अगर इस स्ट्रिंग को हम देखें तो ये सीएफजी इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी।